Hey everyone, welcome to Unified Life Sciences. तो आज के लेक्चर में हम अपना जो एक्साइजन रिपेयर सिस्टम चल रहा है उसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं NER. हम क्या करेंगे आज NER, यानी कि हम देखने वाले हैं आज न्यूक्लियोटाइड एक्साइजन रिपेयर सिस्टम. ओके, तो आज का हमारा ये टॉपिक है. तो जो NER होता है हमारा, वो क्या रिमूव करता है, ठीक है, कौन से एरर को वो रिपेयर करता है. कोई भी पायरिमिडीन डाइमर, ठीक है, ये किसको रिमूव करता है, पायरिमिडीन डाइमर को, ठीक है, उसको रिपेयर करेगा. इसके अलावा कोई भी केमिकल बल्की डक्ट है, अडक्ट है, केमिकल बल्की अडक्ट, ठीक है, ये इन दोनों चीजों को क्या करेगा, रिपेयर करता है. कौन, NER. अब नेक्स्ट बात है कि ये किसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, ये दोनों में मिलता है. कौन दोनों में मिलता है, ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, दोनों के अंदर NER प्रेजेंट होता है. तो अब हम इसका मैकेनिज्म, इसका जो फंक्शन कैसे करता है, कौन कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, हम प्रोकैरियोट के एक एग्जांपल को लेकर पढ़ते हैं कि ई कोलाई के अंदर हमारा NER कैसे काम करता है और कौन कौन से प्रोटीन्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है. तो हम प्रोकैरियोट्स का पढ़ रहे हैं और बाद में फिर मैं यूकैरियोट्स के अंदर कौन से प्रोटीन्स होते हैं जो यही फंक्शनिंग करते हैं वो मैं बता दूंगी, ठीक है. तो क्या होता है, सपोज करो कोई पायरिमिडीन डाइमर है, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, थायमिन डाइमर है. थायमिन डाइमर है यानी कि वहां पे क्या बन गया है, एक साइक्लोब्यूटेन रिंग फॉर्म हो गई है. अब कौन आएगा, UVRA और UVRB का एक चार सब यूनिट, ठीक है, एक टेट्रामर होता है, ठीक है, ये क्या है हमारा, एक टेट्रामर प्रोटीन है, प्रोटीन टेट्रामर, किसका, प्रोटीन का, जिस टेट्रामर यानी कि क्या है, चार सब यूनिट है उसके अंदर, ठीक है. दो सब यूनिट होती हैं हमारी UVRA की और दो सब यूनिट होती हैं हमारी UVRB की, ठीक है. अब UVRA और UVRB दोनों की दो दो सब यूनिट हैं हमारी. तो जो UVRA होता है वो क्या करता है, वो हमारे DNA को स्कैन कर रहा होता है और देखता है कि कोई भी इन दोनों में से कोई भी अगर एरर है तो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है. तो ये क्या काम करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है. अब UVRA ने यहाँ पे क्या किया, ढूंढ लिया कि भाई यहाँ पे एक ये प्रेजेंट है हमारा एरर, पायरिमिडीन डाइमर प्रेजेंट है, और वहां पे आके क्या करेगा, इंटरेक्ट करता है. अब उसके साथ में और कौन आता है, UVRB, ठीक है, ये भी इधर में आके इसके साथ में बाइंड करेगा, ठीक है. अब इसका काम तो था रिकॉग्नाइज करके, इंटरेक्ट कर लिया उसने, तो UVRB का क्या काम होता है, ठीक है, UVRB क्या करता है, हमारा बबल बनाता है इधर में, ठीक है. ये क्या क्रिएट करेगा, क्रिएट्स बबल, कौन करता है, और ये UVRB बबल क्रिएट करेगा. अब जैसे ही उसने रिकॉग्नाइज कर लिया तो अब हमारा UVRA का काम खत्म हुआ, तो UVRA हमारा क्या हो जाता है, निकल जाएगा. UVRA निकल गया और एक सब यूनिट भी निकल जाती है UVRB की, और एक सब यूनिट इस पूरे के अंदर इंटरेक्ट करती है और हमारा यहाँ पे क्या है, एक बबल क्रिएट कर देगी, ठीक है. अब यहाँ पे हमारा क्या रह गया, सिर्फ एक सब यूनिट रह गई है, किसकी, UVRB की, ठीक है. ये हुआ, ये होने के बाद में अब UVR जो बी होता है हमारा, वो क्या करता है, किसको रिक्रूट करेगा, UVRC को, ठीक है, उसको रिक्रूट करेगा. और जो एक सब यूनिट बची थी हमारी UVRB की, हमारी वो भी क्या है, डिसोसिएट हो जाएगी, ठीक है. और देखो जो हमारे UVRC होता है वो क्या होता है, UVRC हमारा एक एंडोन्यूक्लिएज होता है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ अच्छे से, ठीक है. जो UVRC होता है वो एक एंडोन्यूक्लिएज होता है, जहां पे बाइंड करता है उधर में ये क्या करेगा, कट लगाता है, ठीक है. अब वो कट कोई स्पेसिफिक मैनर में लगाएगा, है ना. तो देखो कौन आया, UVRC, ये उसकी दो सब यूनिट है, ठीक है. ये क्या है हमारा, UVRC, ठीक है. और ये क्या है हमारा, एक एंडोन्यूक्लिएज. अब ये एंडोन्यूक्लिएज है
तो अब ये कहीं पे तो अपना काम करेगा कट लगाने वाला, ठीक है। तो सपोज करो इधर हमारा 5 प्राइम था और ये हमारा 3 प्राइम था, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसकी एक सब यूनिट 5 प्राइम की तरफ में कट लगाएगी और दूसरी सब यूनिट 3 प्राइम की तरफ कट लगाएगी। देखो ये कुछ इस तरीके से इंटरेक्ट करता है, ऐसे कुछ इंटरेक्ट करता है ये, ठीक है। अब इसकी ये 5 प्राइम की तरफ जो यूनिट है वो यहाँ पे कट लगा देगी और जो 3 प्राइम की तरफ है वो यहाँ पे कट लगाएगी। लेकिन ये कट कहाँ पे लगाएगी एग्जैक्टली, जो हमारा एरर की साइट है, ठीक है, उसके 5 प्राइम तरफ में एरर से 8 न्यूक्लियोटाइड अवे, 8 न्यूक्लियोटाइड अवे, ठीक है। यहाँ पे कितना लगाती है, 8 न्यूक्लियोटाइड अवे, और यहाँ से 3 प्राइम की तरफ कितना लगाती है, 4 to 5 न्यूक्लियोटाइड अवे 3 प्राइम की तरफ में। यहाँ पे 4 to 5 न्यूक्लियोटाइड अवे और इधर में कितना लगाएगी, 8 न्यूक्लियोटाइड अवे कट लगाएगा। जैसे ही इसने कट लगाया इसका काम खत्म हुआ, इसका काम खत्म हुआ तो भाई हमें इसकी जरूरत नहीं है, और ये वहां से क्या बोलेगा, मैं तो जा रहा हूँ भाई, और ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ये डिसोसिएट होता है किसको रिक्रूट कर रहा होता है, यहाँ पे कौन आएगा, हेलिकेज आएगा। अब देखो यहाँ पे कट दिख गया तुम सबको, अब सबको कट दिख गया ना, यहाँ पे कट तो लग गया, अब कौन आ गया हमारा, हेलिकेज। मिसमैच के अंदर भी बताया था हमने, UVRD पढ़ा ना मिसमैच के अंदर, कि मिसमैच रिपेयर सिस्टम में UVRD बताया गया था, हेलिकेज होता है। अब हेलिकेज है तो वो क्या काम करेगा, ATP को हाइड्रोलाइज करता है और क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, ठीक है। ये किसका काम है, हमारा UVRD का काम है। अब UVRD ने हमारा ये क्या कर दिया, इधर से पूरा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी इधर जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में सबकी सब हटा दी, अब ये सब का सब इधर से निकल गया, ठीक है। तो यानी कि जब अगर इधर से ये UVRD ने इधर सारे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर दिए हैं तो ये हमारा इधर से एक स्ट्रेच निकल गया, ठीक है, कुछ 12 से 14 तक या फिर 15 न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रेच है, वो हमारा यहाँ पे 12 टू 15 न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रेच क्या है, इधर से निकल गया, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया है ना, अब यहाँ पे ये जो गैप क्रिएट हुआ है उसकी फिलिंग कौन करेगा, ठीक है, गैप फिलिंग कौन करवाता है, इधर हमारा DNA पोल वन कराएगा, ठीक है। DNA पोल वन ने गैप फिल करा दी, अब सपोज कर लो इधर में इसने ये पूरा गैप फिल कर दिया, ठीक है। अब ये अगर ऐसे काम हो रहा है तो ये ऐसे बबल है ना, इधर से ये पूरा बन गया, गैप फिल हो गया। अब गैप फिल होने के बाद में कौन आएगा, DNA लाइगेज आएगा, ये क्या करेगा, गैप की सील करेगा, ठीक है। अब DNA लाइगेज ने ये जो इधर देखो ये जो इधर गैप था सील कैसे करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा, और एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि कैसे ये करता है DNA लाइगेज का मैकेनिज्म, ठीक है, उसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको नहीं पता वो देख लेना। तो ये क्या करेगा, DNA लाइगेज गैप की सीलिंग भी करा देगा, फिल किसने करा दिया, DNA पोल वन में, मिसमैच में किसने करा रहा है ये ध्यान रखना है, मिसमैच में कौन करा रहा है और यहाँ पे NER में कौन करा रहा है। तो ये पूरा जो मैकेनिज्म था NER का ये हमने देख लिया कि प्रोकैरियोट्स में कैसे हो रहा है। अब हमें देखने की जरूरत है यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। देखो मैकेनिज्म तो सेम है लेकिन डिफरेंस क्या है, प्रोटीन्स का डिफरेंस है। यहाँ पे हमने देख लिया कौन से प्रोटीन्स हमारे काम कर रहे हैं, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली हमारे कितने प्रोटीन्स काम करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 25 प्रोटीन्स काम करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ कौन कौन से प्रोटीन्स हैं वो, ठीक है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के। ओके, तो ये हैं हमारे प्रोकैरियोट्स का जो हमने पढ़ा, UVRA, UVRB, UVRC, ठीक है। और यूकैरियोट्स में इनको रिप्लेस जो मतलब जो फंक्शनिंग UVRA की जैसे रिकॉग्नाइज कर रहा था हमारे एरर को, ठीक है, तो वो यूकैरियोट्स में कौन कर रहा होता है, XPC, ठीक है, ये प्रोटीन करता है। UVRA-B की जगह पे यूकैरियोट्स में 3 प्रोटीन मिलके काम करते हैं, कौन से 3 है वो, एक है हमारा XPA, दूसरा है हमारा XPD और तीसरा है हमारा RPA, तीसरा है हमारा RPA, ठीक है, ये तीनों प्रोटीन मिलके UVRB का काम करते हैं, ठीक है। अब जो UVRC क्या था, हमारा एक एंडोन्यूक्लियस था जो कि कट लगा रहा था, है ना, उसकी जगह पे कौन कर रहा है, 5 प्राइम की तरफ कौन कट लगा था, XPCC1 और
XPF मिलके, ठीक है, और 3' की तरफ कौन लगा रहा होता है, हमारा XPG कट लगाता है, और जो बाकी के जो प्रोटीन्स हैं हमारे वो अभी तक क्या है, डिस्कवर नहीं हुए हैं। तो जैसे हमने मिसमैच में भी पढ़ा था कि डिजीज हो रही थी, अगर ह्यूमंस के अंदर कोई ऐसा कुछ किसी के अंदर म्यूटेशन हो जाता था किसी भी प्रोटीन के अंदर, तो ऐसे ही यूकैरियोटिक सिस्टम का जो NER है उसके इनमें से किसी भी किसी भी प्रोटीन के अंदर अगर हमारा म्यूटेशन होता है तो एक डिजीज पोज हो जाती है, और वो कौन सी होती है, हमारी जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। ठीक है, कौन सी डिजीज कॉज होती है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, ये डिजीज कॉज हो जाती है। तो ये हुआ हमारा NER। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे BER, ठीक है, बेस एक्साइजन रिपेयर सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच।